हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने लाइफ लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो वी आर बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो, और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं वो है इंडियन पंजाब वर्सेस पाकिस्तानी पंजाब। तो एक चीज तो कॉमन है, बहुत सारी चीजें कॉमन है वैसे तो हमारे यहाँ, लेकिन पंजाब दोनों के पास। तो फुल कंपैरिजन वीडियो है, तो देखते हैं किसका पंजाब कैसा है। लेट्स सी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑफिशियल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं तो प्लीज जल्दी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों 14 अगस्त 1947 वो ऐतिहासिक दिन था जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। साथ ही उस दिन कुछ और भी हुआ था, और वो है पंजाब का बंटवारा, जो दो हिस्सों में हुआ था दोस्तों, इंडियन पंजाब और पाकिस्तान पंजाब। और आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे इंडिया के पंजाब का पाकिस्तान के पंजाब के साथ। जब 1947 में आजादी और पार्टीशन के वक्त ये बंटवारा हुआ था और पंजाब के दो हिस्से हुए थे, तो उसमें 56% पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान के पास गया था और 44% हिस्सा मिला था भारत को। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो हिस्सों का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि आजादी के बाद कितनी तरक्की की है इन दोनों हिस्सों ने, जो आज से करीबन 73 साल पहले एक जैसे ही थे। तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यहाँ किसी भी कंट्री की तरफ से बात नहीं करेंगे हम। हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आपके सामने हम केवल फैक्ट्स पर ही बात करें, ताकि आपको सही और सच्ची जानकारी मिल सके। आपको सबसे पहले बताते हैं थोड़ा इतिहास के बारे में। तो 1947 से पहले पूरा पंजाब ही बहुत बड़ा हुआ करता था, मतलब जितना आज पाकिस्तान का पंजाब है करीबन उसका दो गुना। साल 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जिसमें पाकिस्तान एक नया देश बनाया गया धर्म के आधार पर, और उसी तरह बंटवारा हुआ पंजाब का भी। करीबन 56% पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान को मिला और 44% भारत में। लेकिन आने वाले समय में कई कारणों की वजह से भारत के पंजाब को कुछ और हिस्सों में बांटा गया, जिसमें हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और आजकल दिल्ली शामिल है, यानी पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस, उनकी इस्लामाबाद कैपिटल, और भारत का हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, ये सब आजादी से पहले एक अकेला पंजाब हुआ करता था। आज पाकिस्तान में पंजाब उनका सबसे पॉपुलस यानी आबादी वाला प्रोविंस है। जब साल 2017 के मुताबिक 11 करोड़ की आबादी पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में रहती थी, वही भारत का पंजाब इस डिस्ट्रिक्ट के साथ आज आबादी के लिहाज में भारत का 16वां सबसे बड़ा राज्य है। इसकी आबादी 2.8 करोड़ के आसपास है। जीडीपी, क्षेत्रफल और आबादी, अब अगर हम कंपैरिजन ही कर रहे हैं तो जीडीपी का भी जिक्र होना बहुत जरूरी है दोस्तों, जो कि एक क्लियर आइडिया देता है कि किसी जगह के हालात आखिर कैसे हैं। पाकिस्तान में पंजाब प्रोविंस उनका सबसे वेल्थीएस्ट प्रोविंस है, जो कि पाकिस्तान की जीडीपी में काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। पाकिस्तान में पंजाब प्रोविंस की जीडीपी करीब $162 बिलियन यानी कि 1727 पर कैपिटा है, जो कि धीरे धीरे बढ़ रही है। वहीं क्योंकि भारत में बहुत सारे राज्य हैं, इसलिए भारतीय पंजाब का भारत की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आज भी मुश्किल से 3% के आसपास ही हो पाता है। लेकिन फिर भी भारतीय पंजाब की जीडीपी इस वक्त $81 बिलियन है, जो कि $2300 पर कैपिटा। ये नंबर आपको ज्यादा तब इम्प्रेस करेगा जब आपको इन दोनों ही पंजाब के एरियाज के बारे में पता चलेगा। पाकिस्तान का पूरा पंजाब प्रोविंस करीबन 205,344 स्क्वायर किलोमीटर फैला है, जो कि एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा प्रोविंस है। वहीं आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि बलूचिस्तान, जो कि एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, वो पॉपुलेशन के लिहाज से पाकिस्तान में चारों प्रोविंस से सबसे छोटा है। जी हाँ, वहाँ सबसे कम पॉपुलेशन रहती है। वहीं भारत के पंजाब स्टेट का कुल एरिया 50,362 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पंजाब स्टेट को एरिया के लिहाज से भारत का 19वां सबसे बड़ा राज्य बनाता है। 1947 में क्योंकि पाकिस्तान को रिलीजियस बेसिस पर बनाया गया था, इसलिए वहाँ पंजाब प्रोविंस में भी मुस्लिम्स की आबादी ज्यादा है। धर्म के आधार पर अगर आबादी की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस में 97% मुस्लिम्स रहते हैं, 2.31% क्रिश्चियंस और 0.69% बाकी धर्मों और जातियों के लोग। वहीं भारतीय पंजाब में इस वक्त 57.69% सिख, 38.49% हिंदू, 1.94% मुस्लिम, 1.25% क्रिश्चियंस,
0.16% जैन्स और 0.14% बुद्धिस्ट और बाकी बचे हुए कुछ और धर्म और जातियों के लोग हैं। अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो भारत का पंजाब पाकिस्तान के पंजाब से बेहतर स्थिति में। लाइफ स्टाइल एंड डेवलपमेंट, अब क्योंकि एक ही पंजाब से आखिरकार ये दोनों पंजाब बने, इसलिए खाने पीने और रहन सहन की चीजें कहीं ना कहीं दोनों ही जगहों पर कुछ हद तक एक जैसी है। हाँ, इतने सालों में हुए डेवलपमेंट में कुछ चीजें जरूर बदली हैं, लेकिन खाने पीने के मामले में आप आज भी भारत के पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब में काफी समानता देख सकते हैं। पंजाब का खाना तो वैसे भी पूरे भारत में फेमस है, लेकिन फर्क बस इतना है कि मीट कंजप्शन पर पर्सन पाकिस्तान में ज्यादा है। अगर बात करें स्ट्रीट फूड की तो आपको पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में भारत के मुकाबले थोड़ा सस्ता जरूर मिलेगा। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि वो हमारे लिए थोड़ा सस्ता होगा कि हमारी करेंसी पाकिस्तान की करेंसी के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा मजबूत है। और ऐसे इंटरनेशनल आउटलेट्स जैसे कि डोमिनोज या पिज्जा हट हमारी करेंसी के हिसाब से उनके वहाँ थोड़े सस्ते जरूर कहे जा सकते हैं, लेकिन फर्क कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अब क्योंकि पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस एरिया में बहुत बड़ा है, उनके यहाँ डेवलपमेंट भी उतनी ज्यादा है। अब पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान का सबसे वेल्दीएस्ट प्रोविंस भी है। डेवलपमेंट के मामले में वे लगभग पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर, भावलपुर, फैसलाबाद जैसे सारे इंपॉर्टेंट डिविजन पंजाब प्रोविंस के अंदर ही आते हैं। और तो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी को भी उसके अंदर गिना जाता है। वहीं भारत का पंजाब मॉडर्न डेवलपमेंट के मामले में आज भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे है, अगर उसे भारत के कुछ काफी डेवलप्ड स्टेट से कंपेयर किया जाए तो। लेकिन अपने जीडीपी के बलबूते पर आज भी खुद को भारत की इम्पोर्टेंट स्टेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाता है, और इसीलिए पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में मॉडर्न डेवलपमेंट भी थोड़ा ज्यादा कहा जा सकता है, क्योंकि वो उनके लगभग सारे इम्पोर्टेंट एरियाज को कवर कर लेता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और आखिर में जो एक चीज जो दोनों तरफ के ही लोगों को बहुत जरूरत है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो पाकिस्तानी पंजाब के अंदर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए लगभग सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। एयरवेज, रेलवेज यानी ट्रेन तो होती हैं, लेकिन इसी के अंदर लाहौर मेल, लाहौर बस सर्विस भी ऑपरेशनल है। और अभी कुछ समय पहले वह मेट्रो ट्रेन भी शुरू की गई है, जो कि एक ऑरेंज कलर की रेड मेट्रो लाइन है, जिसे सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बनाया गया था। वहीं अगर बात करें भारतीय पंजाब की तो साइज में छोटा होने के बावजूद एयरवेज और ट्रेन वगैरह की सुविधा तो यहाँ भी उपलब्ध है ही। अमृतसर में आपको मेट्रो बस सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें कुल 7 लाइंस के साथ 47 स्टेशन बनाए गए। फिलहाल इस वक्त पंजाब में कोई भी मेट्रो ट्रेन का सिस्टम अवेलेबल नहीं है, लेकिन शायद आपको आने वाले समय में पंजाब में हाइपर लूप देखने को मिल सकती है। अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़ में हाइपर लूप की एक रूट को कुछ समय पहले प्रपोज किया गया है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट आने वाले समय में अमेरिकन कंपनी वर्जिन हाई लूप को दिया जा सकता है। इससे ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का पंजाब भारत के पंजाब से आगे। एयरपोर्ट्स, और अब अगर जाते जाते आखिर में बात करें नेशनल एयरपोर्ट्स की, तो कुल 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इस वक्त पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में, जिसमें अगर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी शामिल कर लिया जाए तो। वहीं भारतीय पंजाब में चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इंक्लूड करके 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसमें दूसरा श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल है, जो कि अमृतसर से सिर्फ 11 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये था कुछ चीज़ों में भारतीय पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब का कंपैरिजन। वैसे कहने के लिए तो एक पंजाब का कंपैरिजन था, लेकिन अगर साइज और बाकी चीज़ों के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पंजाब ने लगभग आधे पाकिस्तान से टक्कर ली है। दोस्तों, आपको कंपैरिजन कैसा लगा? आप में से कितने लोग पंजाब से वीडियो देख रहे हैं, और ये मैं कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमें भी नहीं पता था में, तो वो पता हाईलाइट हो गई इस वीडियो में देखने के बाद। हाँ, और जहाँ तक बात है कि कौन ज्यादा अच्छा है कौन नहीं, नहीं मेरे लिहाज से तो हमारे लिहाज से दोनों ही अच्छे हैं, मतलब अपने अपनी जगह पे। हाँ, मतलब हमारा जो पंजाब है, पाकिस्तान का पंजाब है, पंजाब पूरा आधा पाकिस्तान है, इतना बड़ा पंजाब है। और इंडिया का तो मतलब आप फर्दर 3 डिवाइड हुआ है, 3 पार्ट में, तो हरियाणा और भी दो भूल गई हूँ, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली। हाँ, दिल्ली भी तो है, वो तो इतना ज्यादा मतलब तरक्की कर रहा है इतनी ज्यादा, तो वो भी पंजाब, इंडिया का पंजाब ही है, थोड़ा सा था डेवलपमेंट के ऊपर नीचे, बाकी खाने पीने में फूड वगैरह सब सब सेम ही था आई थिंक। तो दोनों ही बहुत अच्छे थे, और हमारे मतलब पंजाब का तो मुझे पता है कि फूड बहुत फेमस है, सब पंजाबी लोग फूड ही होते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद हो गया कि सेम, हाँ, इंडिया वाले भी ऐसे हैं, खाने पीने के स्ट्रीट फूड। बहुत ही अच्छी वीडियो थी, बहुत नाइस थी, और
अब देखा जाए पॉपुलेशन को भी देखा जाए तो एरिया के हिसाब से भी देखा जाए, फिर हमारे पंजाब का एरिया ज्यादा है तो इसलिए पॉपुलेशन भी ज्यादा है और वहां का एरिया कम है, फिर वो और डिवाइड हुआ है ना, तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छी वीडियो थी और बहुत आप लोग भी कुछ हमें जानने बताइएगा को मिल गया जो हमें नहीं पता था। कौन कौन हमारी इंडिया वीडियो पंजाब से देख रहे हैं, इंडिया के पंजाब से या पाकिस्तान के पंजाब से, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो गाइस वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो, होप यू लाइक इट, इफ यू लाइक प्लीज लाइक।